और यहाँ पे हम दाल ये पका रहे हैं। बोलो हेलो लास्ट बार। हरिओम, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और मैं हूँ एचपी मांचल, डिस्ट्रिक्ट मंडी के एक छोटे से गांव से। तो सुबह की ब्लॉग सीधे इनके साथ हो निकल भी गए आगे, तो बड़े दिनों बाद आई हूँ आज इनको लेके। साथ में अपना जीनो भी पहुंची और टाइसन तो चला गया उनको लेके। हाँ निकल गया। और मौसम देख ले, आज का मौसम आप देख सकते हैं, आज का मौसम कुछ इस तरह से चलो सही है जैसा भी है। और अब हमने निकलना है यहाँ से सीधे। हाँ सुबह मैंने सोच ही लिया था चाहे कुछ भी हो मैं ही जाऊंगी लेके, घर में काम फटाफट से हो जाता, फिर टाइम नहीं कटता। और खेत में सभी आने वाले, मम्मी ताई ताऊ सब काम करने, तो यहाँ पे मजा आएगा उनके साथ। दिख दिख टाइसन कैसे बैठ। कहाँ था अब तक, है मैं अकेला अकेला निकला आगे आगे। आजा तो आजा 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 आजा। इसकी आंखें बड़ी प्यारी, जैसे काजल लगाया आंखों में है। मम्मा गई नीचे से, मम्मा गई, जा तो जा 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 तो दो लगा नीचे। टाइसन खड़ा हुआ है, नहीं खाता। टाइसन इधर आ जल्दी। पहुंच गए सभी खेत में काम करने। और ये खेत सबका है, तीनों का साथ में ही नीचे वाले खेत हो गए। और इसमें है मंडल, कोदरा जिसे बोलते हैं, और इसे बोलते हम दंदाल देना अपनी पहाड़ी में दंदाल। ये लगाना जरूरी होता है क्योंकि जो घास होती है अगर इसको ना लगाए वो घास बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जो मंडल होता है वो खत्म हो जाता है। और अपनी पहाड़ी में बोलते हैं मंडल को कोदरा, पता है ना। तो मैं भी जा रही हूँ अब, इसको लगाने का बहुत मजा आता है। इधर देखो प्यार दोनों का, ये बैठा हुआ है और ये इसके पास आया है। इतने सारे यहाँ पे। ऐसे मजा आता है ना जब साथ में मिलके काम करते। हम तीनों ने मतलब छोटी ताई की बैल लाए, बाकी हमारा एक तो क्या ही बोलो इसके बारे में, फिर सबके साथ साथ में खेलते, तो सबने साथ में ही किया। और हर साल यही करते हम सब साथ में। रुक थिप्पू, ये क्या बन रहा। ताई कह रहे मेरा दांत ठुलाना कमर में बांधा हुआ। अब जा रही हूँ मैं पानी के लिए, लेकिन स्पेशली जा रही हूँ मैं एक सब्जी के लिए जो होती है पेड़ में, जो बांध के पेड़ होते हैं वो टूटे होते हैं उनमें निकलती हो, जंगली मशरूम बोल सकते हैं उनको, और अपनी पहाड़ी में बोलते हैं हम उनको क्या। और अभी पता नहीं लगे है कि नहीं पेड़ टूटा हुआ है, वहाँ पे मैं हर साल ही ले जाती हूँ वहाँ से। आज देखते हैं सिन, देख रहे हैं दौड़ के जा रहा है नहाने के लिए, गर्मी जो हो रही है इसको। जा जा जा, ताऊ के साथ गया था, कहाँ से देखा इसने मैं जा रही हूँ और पीछे से दौड़ा है। हाय मजे। इधर आ, नीचे नहीं आएगा, अब बैठ रहे हो यहाँ पे पड़ा हुआ वो पेड़ रास्ते में ही, ये बान का पेड़ है। और इसमें ये जो लगे है ये अभी बड़े हुए ही नहीं है, तो इतने छोटे छोटे से ये। फिलहाल इनको जो है पानी की कमी है, जब भरपूर पानी मिलेगा इनको तभी जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। और बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, अभी तो छोटे छोटे निकल ही रहे। चलो कुछ टाइम बाद ले जाऊंगी मैं, फिर दिखाऊंगी मैं आपको इसकी सब्जी बना के, ठीक है। बड़ी टेस्टी लगती है। पीछे बैठ टाइसन पीछे, यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी, स्कूल से भी हम इधर ही आते थे पानी पीने। ताई ने बोला जल्दी जल्दी करना, पहले मैं खुद तो पी लूं।
मेरे को प्यास थी नहीं, वो तो ताई को हो रही थी, तब आ गई मैं। जैसे कि फ्रिज से निकाला हूँ। टाइसन क्या इरादा है, आ जाओ अब, हो गया बहुत। मेरे को गीला कर देता है टाइसन। देखा मुंह के पास ही आके करना होता है ऐसा। अरे टाइसन दे, हाँ पिद्दू भी कहा मानता है, दौड़ दौड़ के आता है इसके पास। टाइसन क्या हो रहा था यहाँ पे, हाँ वो भाग गया उसके पीछे ही। अगर होता खुला जैसा मैदान ना, खूब लड़ने देती, पर इधर ऐसा है कि ऊपर से नीचे नाले में गिर जाएंगे, हड्डी बड्डी टूट जाएगी, फिर स्यापा हमें ही होगा। मैं कैसे हटाऊं इनको, ये सुन ही नहीं रहे। तो ले अभी इसने डराया इसको, डरे चला रस्सी रुस्सी तोड़ दी इसने ना की। टाइसन अट खरा हो, इसको दर्द हो रही, इसके पैर में फंसी है रस्सी। इसको किसने कहा था उसके पीछे इतना भाग रहा, इतना भगाया सो गुस्सा आ रहा है। इस टाइम पे मेरे को इसके रत्ती भर भी दर्द नहीं हो रही है सच में, ऊपर से इतनी ज्यादा धूप लगी है, चक्कर आ रहा है। कहाँ डालूं, क्या करूं इसका। बोलो हेलो, लास्ट बारी देख लो मेरे को, फिर नहीं मैं मिलूंगा दूसरी बारी। फिर घर रहेगा इसका, बाकी कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे ना। देखो इसकी हरकतें, खा जाएगी बिल्ली, उड़ नहीं पाता है सही से अभी। इसकी मम्मा आ गई अब यहाँ पे, ले वो तो निकल गया उड़ के फिर से। सॉरी, गुड मॉर्निंग। अभी ना मेरे को नींद ही आ रही है, मेरी आंखें भी ऐसी अजीब जैसी लग रही होनी है ना। सुबह सुबह चल पड़ी हूँ मैं रस्सी डाल के, और पता नहीं कहाँ जा रही हूँ लिंगड़ के लिए। और आज हमारे घर में कुछ है तो इसीलिए मैं सुबह ही जा रही हूँ, और सोचा था मैं 5 बजे उठूँगी पर उठ नहीं पाई, नींद ही नहीं खुली। तो लाती पहले फटाफट, फिर बताती मैं आपको। ये हाथों की हालत, और ये दो मैंने भर दिए। यहाँ पे एक कपड़ों की हालत जो कि पूरे गीले हो चुके हैं, यहाँ पे लग गई पत्थर में, और साथ में इस पैर की हालत तो देखो। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ओस होती है, उस करके मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए, साथ में मिट्टी भी लग गई। और घर जाके मैंने अभी पशु भी छोड़ने और बिना खाना खाए निकल पड़ी, और तो पेट भी कह रहा है, मेरी माँ मेरे को अब खाना तो खिला दे, अब मेरे को भूख हो रही है, चलो पहले घर निकलते हैं। और अब कपड़े, ये रानी जी हमारा घराट देसी चक्की, इसकी रिपेयरिंग करेंगे आज। ये टाइसन का मेरे से आगे आगे दौड़ता है, डर हटा हटा, सुनते तो फट से है सारे। इस टाइसन ने ये बच्चा पकड़ा था और मेरे पास ला रहा है, फिर दे भी दिया। छोड़ा वो, इसको उड़ाना था मैंने, इसने मेरे को पकड़ के रखा है। टाइसु ऐसे नहीं पकड़ना हो, जिन्हों होता कभी नहीं देता। जा टाइसन, टाइसन ओए टाइसन, मार देनी मैं।
टाइसन कहाँ गया वो, पेड़ पे ही रखती मैं इसे, अभी हाथ में नहीं। टाइसन ये सीनी छूण दा एक बार बोलिया है, ऐसा 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 गंदा बच्चा ही है। हाँ अब देखो रहे यहाँ पे टाइसन, इसने सोचा मैं मारूंगी, नहीं मारती मैं, नहीं मारूंगी तेरे को। यहाँ पे ऊपर है, उसकी मम्मी पापा उड़ा रहे थे अपने बच्चों को बहुत सारे, लेकिन टाइसन ने पकड़ लिया उसे। साथ में आज उस घाट की रिपेयरिंग करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा खराब हो गया, इस करके हमारे घर में कुछ लोग आए जो हेल्प करेंगे। और आज नॉली है, नॉली हम उसको बोलते हैं, जैसे कि हमने नया अनाज काटा है गेहूँ होगी, और उसे जो हम सब साथ में मिलके खाते हैं जब शुरुआत में खाना होता है। और सबसे पहले हम अपने कुलदेवता को चढ़ाएंगे, उसके बाद हम सब साथ मिलके खाएंगे, साथ में पूरे गांव वाले होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं। दिखाऊंगी मैं आपको, तभी पता लगेगा, है ना। पूरी की पूरी छत ही निकाल दी, अब दोबारा से लगाएंगे इसको। टाइसन ने जो बच्चा पकड़ा था वो था मैना का बच्चा, और हम बोलते अपनी पहाड़ी में मैना को शियारी, और वहाँ पे उसकी पूरी फैमिली थी, उसके मम्मी पापा भाई बहन सब थे। और सबसे पहले तो टाइसन को खाने के लिए दौड़े थे, लेकिन टाइसन माना ही नहीं, इसने उसको पकड़ ही लिया। फिर बाद में मैं सोचा पेट पे रख दूँ, लेकिन फिर वो हाथ ही नहीं आ रहा था, फिर मैंने जाने दिया उसको, फिर वो थे उसके साथ में ही। बैठ बैठ, थक गए आज हम टाइसन के साथ, हाजू मेहमान भी बहुत सारे और काम भी भर भर के होगा। और इधर देखो, इधर देखो इससे मिलो, ऐसा शरारती है ये। मेरे को लगा है यहाँ पे चाय बनाने के लिए है। यहाँ पे डाले चने और आलू, देख रहे थे हो गए ये तो। यहाँ से ले जा रहे चक्के घाट के वहाँ, ये जो हमारे पुराने घर की, ये जो हमने खोल के रखे एक साइड से, वो तंदूर के पास। बहुत गर्मी हो रही है, तब अंदर रोटियां रखी और यहाँ पे हम दाल ये पका रहे हैं। अब दाल रखूंगी मैं, चने चने क्या सॉरी राजमा और महा, इसमें मैंने दाल धो के डाल दी और बाहर से लगा रही हूँ मैं राख, ताकि बाद में धोने में आसानी होनी, तो ये पूरा काला हो जाएगा। इतने बड़े बड़े चक्के लगाते थे पहले पुराने घर में, जो कि टूटते तक नहीं थे, यहाँ पे रखे हमने बहुत सारे निकाल के, और अभी भी इस वाले घर में है वो पुराने चक्के। और साथ में ये काम भी लगाया, यहाँ से दरवाज़ा था ही नहीं, दीवार निकाल दी तब करके दरवाज़ा बनाया, क्योंकि यहाँ पे हमने किचन बनाया, उस साइड इसका दरवाज़ा था, ये हम बाथरूम बना रहे हैं यहाँ पे नया दूसरा। कुछ एक लगे किचन में और रोटियां रख रहे गोल गोल बना के, फिर उनकी जो पूरियां बनाई जाएगी, पटूरू बनाए जाएंगे, और आज के दिन जो है नई गेहूं का हलवा बनता है, रोटियां बनती है, उसी का सब कुछ बनता है। आज तो इस, चलो मैं दिखाती हूँ आपको अंदर। यहाँ पे लगे सब रोटियां बना रहे, मम्मी दीदी आंटी छोटी ताई सॉरी बड़ी ताई छोटी ताई चले गए बना के। अब जा रहे हम छोटी ताई के साथ चारा लाने गाय के लिए, और हम बोलते अपनी पहाड़ी में खड़क मैंने दिखाई भी, ताई आओ जल्दी। और फिर इतना सारा काम आता है जब घर में इतने सारे मेहमान होते हैं ना, तो ताई जाएंगे पेड़ पे, तो ये रहा खड़क का पेड़, और ये साथ में ब्यूर का पेड़ भी है, यही बच्ची ऊपर ऊपर ही। अरे हम लिंगड़ लेके, और आगे देखो हिमांशु बाल वाला थी ये लाई अपनी मम्मी की चखनी की है, मां पका बोला। मेरे पास खुद की वहां इतना बड़ा मैं नहीं उठा सकती, रुको हाँ से करेंगे ताई के साथ ले जाएंगे हाथ में।
ले आप ब्यारी मांशो इन दोनों ने डाला है। यहाँ पे लगे मम्मी टूरू का काम करने और अंदर पूरिया यहाँ पे होता है सही बार बैठ के आराम से। साथ में दीदी को लगाया यहाँ पे ये बना रहे पूरिया, इधर भी पूरिया, इधर भी पूरिया, सारी जगह पे मेरी रोटी लाइट बढ़िया होंगी आ रही सही लाइट होंगी मेरी बहुत अच्छी स्वाई बोलते हम इनको, इनका टेस्ट कुछ लग सा रहता है जब पहले ऐसे गोल कर करके रखते तब। तो क्या अंदा है दे इसमें लाऊंगी मैं अब अंदर से और रोटी। हम दोनों लगे बड़ी ताई के साथ बाहर अब क्योंकि अंदर जल्दी नहीं हो रही है, अंदर छोटी ताई आ गई दीदी है। शेष पानी और चीनी होती है इसमें अंदर बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है इस करके हम खाना बाहर खिला रहे हैं। पहला निवाला हम सब साथ में ही खाएंगे बस। इसने भी आना था तो ये लगा मेरे को मारने आ जा। ये क्यों खुली वो चले ये खुल के एक इधर ही अपना चुटकू कुछ यहाँ पे अंदर बैठे और आधा बार हम खाएंगे फिलहाल हाथ में धरती बैठे साल को भी करेंगे हम बागरू बागरू कुछ इस तरह से होती है हमारी नॉली। और कई जगह पे ऐसा लगता है मेरे को कि चुप्पी उस टाइम पूजा हो रही थी तो मैं बड़बड़ाऊं तो वो चीज अच्छी नहीं लगती है। तो वो हमारी गुरु है, इस तरह से हम पूजा करते हैं। फिर प्रसाद दिया गया और अब जो खाना खिलाया पहला निवाला हम तब साथ में खाते क्योंकि पहले ही कोई जूठा नहीं करता है। और आज के दिन यही जो गेहूं होती है उसकी रोटियां, हलवा, बाकी वो दाल है, सब्जी है, कढ़ी है, ये चीजें और खाना हमने सभी को खिला दिया। अब जो है खुद खाना हमने कुछ एक बचे मम्मी ताई हम बचे खाने वाले मेरा भाऊ बचा है। और मेरे को तो नींद ही आ रही है अब मैं सो ही जाना बस फटाफट खाऊंगी रोटियां नहीं मैं खाऊंगी बस दाल सब्जी वो खाऊंगी मैं। ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए सामने बाकी वीडियो के लिंक आ रहे वो देख लो आप।